अनुपमा को है वनराज पे भरोसा, वनराज नहीं ले सकता किसी की जान। जी हाँ, आपको बता दें स्टार प्लस का नंबर वन शो अनुपमा, जिसमें आप काफ़ी इमोशनल ट्रैक देख रहे हैं, जहाँ पर अनुज और वनराज का दोनों खाई में गिरकर जिनको काफ़ी गहरी चोट आई है, तो वहीं जो है वनराज को थोड़ा थोड़ा होश आ गया है, जिसके बाद में वो अनुपमा से मिलता है। अनुपमा को वो बताता है कि मैंने ही जो है अनुज को खाई में धक्का, जिसके बाद उसके जो है वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो बोलता बोलता रुक जाता है। तो यही कहानी में जो दिखाया गया है कि अनुज अनुपमा को ये लग रहा है कि भाई वनराज ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन अनुपमा करती है वनराज पे भरोसा कि वो किसी की जान नहीं ले सकता। जिसके बाद में समर भी अनुपमा से कहता है कि पापा ने ऐसा किया है। वहीं जो है घर वालों को भी यही लग रहा है कि वनराज ने ऐसा किया है, लेकिन अनुपमा इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। जहाँ एक तरफ बात जो अनुपमा के आगे गिड़गिड़ाएगी, वह अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर बोलेगी प्लीज़ वनराज को बचा लो, ऐसे इमोशनल तरीके से उसको समझाएगी, जिसके बाद अनुपमा क्या फैसला लेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि भाई अनुपमा तो वैसे ही एक तरफ वनराज पर पूरा भरोसा करती है कि उसने ये काम नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार शो की कहानी क्या नया मोड़ लेने वाली है देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको शो में देखने को मिलने वाले हैं। अब क्या करेगी अनुपमा, कैसे वनराज को बचाएगी, क्योंकि भाई वनराज ने जो कुछ भी बयान दिया है सबसे पहले अनुपमा को दिया है, तो क्या अनुपमा पुलिस से छुपाएगी ये सारा बयान कि क्या वनराज ने बोला क्या नहीं बोला, जिसके बाद में शो की कहानी नया मोड़ लेती नजर आएगी। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब अनुज को होश आएगा। खबरें आ रही है कि भाई जहाँ एक प्रोमो भी आपने देखा था कि अनुज को पैरालाइज हो जाएगा, जिसके बाद में अनुपमा एक नई तरह से ज़िंदगी जिएगी, कैसे वो अनुज की जगह लेकर बिजनेस वूमन बन जाएगी। वेल, कितने एक्साइटेड हैं आप आने वाले एपिसोड्स के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।